हेलो व्यूअर्स, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में कमाल की टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है, जो कि फर्स्ट टेस्ट है 26 तारीख से खेला जाएगा। और ये मैच जो खेला जाने वाला है आपका सुपर स्पोर्ट्स पार्क, जो कि सेंचुरियन में है, कमाल का ये स्टेडियम माना जाता है। और गेंदबाजी के लिए ये पिच बहुत अच्छी है। एक टाइम पे यहाँ पे बल्लेबाजी करना बहुत आसान थी, पर जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता है ना, तो यहाँ पे गेंदबाजी करना आसान होता जाता है, बैट्समैन के लिए यहाँ मुश्किल बढ़ती जाती है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ के स्टैट्स और दोनों ही टीमों का प्लेइंग 11 जानने की कोशिश करें, क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है और प्लेयर टू वॉच कौन होने वाला है। तो दोस्त जो जुड़ रहा है मेरी इस वीडियो में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर हम इस पिच की बात करें, यहाँ पे आपको ट्रू बाउंस देखने को मिलता है, बाउंस और स्विंग दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ के हिस्ट्री पर जाओगे ना, तो आप थोड़े से शॉक हो जाओगे। यहाँ पे अभी तक सिर्फ 28 मुकाबले हुए, और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 13 मुकाबले में जीत मिली है और गेंदबाजी करने वाली टीम को 11 में जीत मिली है। और अगर आप यहाँ एवरेज स्कोर में जाओगे, तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 329 है, सेकेंड इनिंग का जो स्कोर है वो 316 है, थर्ड इनिंग का जो एवरेज स्कोर 232 है, फोर्थ इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 162 है। यानी कि आपको बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा, वो अगर आप 250 भी बनाते हो ना, तो वो भी आपके लिए कमाल का होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप हाईएस्ट स्कोर की बात करोगे, तो 621 जो कि साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था, डू प्लेसी ने 199 रन उसमें लगाए थे और कमाल की बल्लेबाजी दिखाई थी। और यहाँ अगर आप देखोगे कि यहाँ पे लोएस्ट स्कोर कितना, तो 101 साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को चौथी इनिंग में 101 पर ही ढेर कर दिया था, और जहाँ पे आपका रबाड़ा का कहर बरपा था इनके ऊपर। देन अगर हम बात करें कि यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर चेज कितना है, तो यहाँ पे 251 हाईएस्ट स्कोर चेज है। यानी कि अगर आप 250 का टारगेट दे रहे हो ना, तो बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है। यहाँ अगर आप बात करो कि लोवेस्ट स्कोर डिफेंड कितना किया, तो 159 भी यहाँ डिफेंड किया है, जो कि वेस्ट इंडीज से बनने भी नहीं दिया था भाई। बहुत ही कमाल की यहाँ पे गेंदबाजी साउथ अफ्रीका ने दिखाई थी, तो हर तरह से साउथ अफ्रीका का स्कोर यहाँ बहुत अच्छा है, तो उनके लिए सारी अच्छी ही यादें हैं और बड़े मुकाबले वो यहाँ से मेरे हिसाब से जीतते हुए आए हैं। अब हम नजर दौड़ाते हैं दोनों ही टीमों की, क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो पहले हम भारत की बात करते हैं, तो क्योंकि आपके जो मोहम्मद शमी है वो साउथ अफ्रीका गए ही नहीं है और वो इंजर्ड है और वहां जाना उनका मुश्किल माना जा रहा है। तो भारतीय टीम की तरफ से जो ओपनिंग करेंगे वो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल करेंगे, देन आपको शुभमन गिल दिखेंगे, फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, ये होने वाला भारतीय टीम का प्लेइंग 11। अब हम बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका क्या क्या प्लेइंग 11 होगा। उसमें आपको नजर आएंगे डीन एल्गर, एडन मार्करम, कीगन पीटरसन, टेम्बा बबूमा, काइल वेरियने, येन मल्डर, मार्को येंसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, जेराल्ड कोइत्ज़ी और लुंगी एंगिडी। तो ये होने वाले भाई दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11, बहुत ही कमाल की दोनों टीम खेली है। प्लेयर टू वॉच में सिर्फ एक बताऊंगा दोनों टीमों में, अगर भारत की तरफ से आप प्लेयर टू वॉच की बात करेंगे ना, तो उसमें जो काफ़ी इम्पैक्टफुल जो रोल रहने वाला है वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल का रहने वाला है। इंट्रा स्क्वाड में सेंचुरी भी उन्होंने लगाई है। वहीं अगर आप देखोगे ना कि साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से, तो भाई जो मैन होने वाला है वो कीगन पीटरसन होने वाले हैं भाई। बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं इनके, और इस मैच को जो जीत रही है, मैं तो चाहूँ भाई इंडिया जीते, पर साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं फेवरेट होने वाली है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हम साउथ अफ्रीका को पहला मुकाबला हरा पाएंगे और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।